यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। खबर देखेंगे एटा, प्रयागराज, बरेली और कासगंज जनपद से। पहली खबर है एटा से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश व क्षेत्राधिकारी सदर इरफान नासिर खान के पर्यवेक्षण में थाना पिलुआ जनपद एटा की पुलिस टीम द्वारा एक घटना का सफल अनावरण करते हुए अधिवक्ता सुनीता देवी पत्नी ओमीर सिंह निवासी ग्राम नगला दलित थाना पिलुआ को गिरफ्तार किया गया है। आज को एक सौरभ नाम के 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। क्या है पूरा मामला? ये नगला दलित गांव पड़ता है थाना पिलुआ में। वहाँ पर 25 मार्च की शाम को एक बच्चा 10 साल का बच्चा था, उसकी बॉडी एक गेहूँ खेत में मिली थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था अज्ञात में। इस बारे में लगातार जब घोषणा की गई तो एक रंजिश निकल के आई कि जो मृतक का दादा राजगी उसके द्वारा एक पास पड़ोस में एक खेत था, उसे खरीद लिया गया था, जहाँ से ये आरोपी सुनीता देवी का परिवार उस खेत से अपने बाहर से निकलता था। इसी रंजिश को लेकर के ये महिला काफ़ी रुष थी इस परिवार से, और घटना के दिन बच्चा घास काटने के लिए खेत पर गया हुआ था। वहाँ ये महिला उसको मिली और बच्चा कमज़ोर था, 10 साल का बच्चा था। उसको मारपीट करके उसको जो है और मफलर से वो उसका मुंह तबाह करके उसकी गला घोंट दिया गया था, उसकी हत्या हो गई थी। पूरी घटना से स्पष्ट हुआ कि अकेली महिला थी ये, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ईर्ष्या थी, बहुत ज़्यादा इससे जो है गुस्सा था, क्योंकि इसका जो रास्ता रोक दिया गया था और इसके दीवरों को वहाँ से निकलने का रास्ता अलाउ किया था इसके दादा ने। इससे उसे और रुष थी कि मेरे साथ जो है रास्ता बंद कर दिया, मेरे देवर देवराई में निकल रहे हैं, जिसके कारण इसने द्वारा गुस्से में आकर के उस बच्चे की हत्या कर दी। हमारी सहयोगी सोनू यादव के मुताबिक घटनाक्रम दिनांक 25 मार्च को ग्राम नगला दलीप में हुआ था, जिसमें 11 वर्षीय सौरभ पुत्र जितेंद्र कुमार की हत्या एक खेत में कर दी गई थी, जिसके संबंध में सौरभ के दादा राजवीर सिंह ने थाना पिलुआ पर आकर सूचना दी। इसके संबंध में अवैध कार्रवाई की गई है। खबर प्रयागराज से। हमारे सहयोगी उमाशंकर कुशवाहा के मुताबिक पकौड़ी लाल कौल लोकसभा सांसद संसदीय क्षेत्र सोनभद्र ने तहसील कोराव के हाटा बाजार में आज उपरैत क्षेत्र की जनता के साथ औपचारिक भेंट वार्ता कर लोगों की समस्याओं को सुना। यहाँ पकौड़ी लाल कौल से वार्ता भी हुई। सर, हम देश में कोरोना फिर से वापस आ रहा, COVID-19, इस पे आपका क्या विचार है? और देखिए, बाहर से वापस अपने घर पर वापस आ रहे हैं तो नहीं, देखिए ऐसा है। अब देखिए, कोरोना महामारी ये बड़ा का विषम परिस्थिति में साल भर से हम लोगों को झेलाया, पूरे हमारे देशवासियों को झेलाया है। अब इससे बचने का उपाय तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये महामारी पता नहीं कहाँ से आई है और कब जाएगी, और इसे हमारे हम और हमारे लोग सांसद हमारी उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक ये चिंतित, और वह चाहे और जैसे भी हो इसको हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी है, हर व्यक्ति को बचाने की गारंटी है। कोशिश तो ये हमारी सरकार कर रही है, हमारी सारी अस्पताल कर रहे हैं। कैच करत हो अब यह है कि लोग बीमारी से मुक्त हों, ये मर्ज से मुक्त हों, ये हम लोगों का ये हमारी सरकार का ही सोच है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। खबर बरेली से देखें तो बरेली में खुलेआम बिक रहा है गैम्बियर केमिकल पाउडर। हमारी सहयोगी नंदकिशोर मौर्य के मुताबिक मामला थाना किला पुल के पास का है, जहां पर गैम्बियर नाम का केमिकल जो कि कत्था गुटखा आदि बनाने के काम आता है, जिस पर पूर्णतः प्रतिबंध तो है लेकिन इसका कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। छोटे छोटे गुटखा बनाने वाले मिलावटखोरों के यहाँ पर यह केमिकल वाला पाउडर जाता है, जिससे मनुष्य की किडनी और फेफड़ों पर अधिक असर पड़ता है। मौके पर खाद्य विभाग अधिकारी को फोन पर इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने व्यस्त होने के कारण आने से मना कर दिया, लेकिन इस पर जांच होने के बाद कार्रवाई होना जरूरी है। अंतिम खबर है जिला कासगंज से। जनपद के वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने श्याम सुंदर गुप्ता की पुत्रवधु वंदना गुप्ता को सिरपड़ा से समर्थन दिया है। वंदना गुप्ता के पति रवीश गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं का गमछा पहनाकर सम्मानित किया। हमारे सहयोगी गौरव साके के मुताबिक इस आयोजन में मुख्य अतिथि पटियाली विधानसभा के विधायक ममतेश साके और अमापुर विधायक देवेंद्र प्रताप रहे। यहां कार्यकर्ताओं से पूरे जनपद में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई। यूपी खबर स्पेशल में इतना ही। बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।